हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफर स्टडी टूरियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल शुरुआत करेंगे आज के सेशन की जिसमें आपको टोटल मिलते हैं ट्वेंटी क्वेश्चंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये ध्यान रखा करिए कि आप लोगों के लिए जो जीके का क्लास चल रहा है ये होता है दोपहर में दो बजे मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है तो प्लीज डोंट मिस इट और इस बार संडे को आपके दो क्लासेस होंगे पहला क्लास है आपका स्पेशल क्लासेस की बात कर रहे हैं ठीक है जॉन अकेडमी पे होते हैं आठ बजे होगा और जो दूसरा क्लास है आपका वो कितने बजे होगा सुबह दस बजे रहेगा दोनों क्लासेस मॉर्निंग में खत्म हो जाएंगे ताकि शाम के टाइम पे आप भी थोड़ा सा फ्री रह पाओगे ठीक है क्लासेस को प्लीज मिस मत करिएगा क्योंकि ये क्लासेस हम रिपीट नहीं करेंगे डेली बेसिस पे सुबह सात बजे का जो क्लास मिस कर रहे हो अगर कर रहे हो सात बजे क्लास में नहीं आ रहे हैं तो मेहरबानी करके क्लास में टाइमली आना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो आपके प्रॉफिट के लिए दैट इज नॉट फॉर मी वो आपके लिए ठीक है चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की जो सवाल है जो हम आपको होमवर्क में देंगे प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना और प्रॉपर तरीके से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा पहला सवाल इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिफेन्यू एक्ट इन द इंडियन प्रोमलगेटेड मतलब इसको बनाया कब गया था ये जो एक्ट है इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी इसका आंसर बनेगा नाइनटीन मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है नाबार्ड की फॉर्मेशन कब हुई थी आप मुझे बताओगे कौन सा वाला ईयर है नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि आपको ये तो पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता है यह डायरेक्ट लोन नहीं देता यह भी आपको पता है बट आप मुझे बताओगे कि कौन सी कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन करी गई थी इतनी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर टू इन विच इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द ओडिया वर्ल्ड कप फॉर मैन फॉर द सेकेंड टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो मेंस की कैटेगरी के, के अंदर इंडिया ने सेकेंड बार यहाँ पे जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता था भाई धोनी का नाम आए और हमें आंसर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आंसर क्या बनेगा 2011 का वो टाइम था और इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2007 का टाइम था जब द्रविण ने अपनी जो कैप्टनसी थी वो धोनी को देती है मतलब मुझे तो डेट भी याद है खैर चले आगे आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे अगला सवाल द कोर्ट बॉम्ब एंड पिस्टल डज नॉट या डू नॉट मेक अ रिवॉल्यूशन। द सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्पिन ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ द आइडियाज आपको बताना है कि जो थाट है किसके द्वारा कहा गया है जिसमें लिखा हुआ है कि चाहे बॉम्ब हो चाहे पिस्टल हो इससे किसी भी तरीके की क्रांति नहीं आती है क्रांति किससे आती है जब तक हमारे जो आइडियाज हैं वो आइडियाज बहुत तेज ना हो बहुत ज्यादा शार्प ना हो तो ये किसने कहा था भगत सिंह ने भगत सिंह का एक और स्टेटमेंट आता है कि अगर हम रियलिटी में अगर हम रियलिटी में चाहते हैं क्या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो गांव के एरिया हैं जो विलेजेस वगैरह हैं वहां पे लोगों को क्या दे दिया जाए वहां पे लोगों को पिस्टल थमा दी जाए तभी एक रिवॉल्यूशन आ सकता है और तभी हम फ्री हो सकते हैं अगला क्वेश्चन बताएगा वे ऑफ दी फॉलोइंग बैंक इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इट इज फॉर्म्ड बाय चिदम्बरम अंकल अब चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर है बनाया गया है 1937 में चेन्नई के अंदर अगर किसी भी बैंक का हेडक्वार्टर है तो या तो उसमें लिखा होगा इंडिया या उसमें लिखा होगा इंडियन तो आंसर क्या बनेगा इंडियन ओवरसीज बैंक सवाल इंडियन ओवरसीज बैंक क्या किसी बैंक के साथ में मर्ज हो गया है अगर हाँ मर्ज हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करके बताएगा ठीक है अगला हु अमंग फॉलोइंग दोट द बुक वाइज एंड अदरवाइज आपको बताना है किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है मेरा आपसे सवाल अभी रिसेंटली इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों के लिए किसके लिए बच्चों के लिए वो किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर अगला क्वेश्चन डैश इज द टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांडेस या फिर इंक्रीजेस आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द यूज होता है अगर मान लो कि कोई भी चीज है उसकी अगर डिमांड बढ़ती जा रही है और उसके जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा शब्द यूज होता है तो यहाँ पे वेबल गुड्स इस टर्म को यूज किया जाता है अच्छा पहले ये बता दें एग्जाम में यूजअली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है बट हाँ फॉरन नॉलेज मालूम होना चाहिए था क्योंकि हम लोग जब जीके के लिए तैयार हो रहे हैं अब मान लो नेक्स्ट ईयर पूछ लिया तो तू तो क्या करोगे छोड़ के चले आओगे नहीं ना अब आप मुझे बताएंगे गिफिन गुड्स कौन से होते हैं ठीक है ना आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से टाइप के गुड्स होते हैं तीन चार होते हैं ना जैसे कि इन्फीरियर गुड्स भी होते हैं अब आप मुझे बताओगे ये कौन से वाले गुड्स होते हैं आंसर आना कमेंट सेक्शन में क्योंकि भाई आंसर तो पता ही होना चाहिए पढ़ाई हुई चीज़ें कई बार ये चीज़ बताइए आपको स्पेशल क्लासेस में तो आप मुझे इसका आंसर बताइए और हाँ फिर से कह रहे हैं अगर आप स्पेशल क्लासेस मिस कर रहे हो तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैम उसको मिस मत किया करिए और अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो नया जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है ग्यारह नवंबर से लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है करेंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से टेलीग्राम है उस पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते ठीक है देख के बस ज्वाइन करना आप की इमेज लगी है अगला देखिए द फेमस डांसर चमन चेरी आपको बताना है कि ये जो है ये कौन से फॉर्म ऑफ डांस से जुड़ी हुई है डांस का फॉर्म बताना है दैट इज कथकली अब कथकली कहाँ का है केरला का है सतरिया के ऊपर यूजुअली सवाल बनता है तो ये कहाँ पर है आसाम के अंदर है अगला बामचू इज अक कल्चरल फेस्टिवल ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है तो ये सिक्किम के अंदर सेलिब्रेट होता है सिक्किम के अंदर आपको एक ट्राइब भी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है लेपचा ट्राइब अगला बताइए विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड ये जो शब्द है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है तो ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है किससे टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है अगला सवाल डैश इज द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द लीफ दैट ज्वाइन द ब्लेड ऑफ द स्टेम आपको बताना है कि स्टेम के तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है वो लीफ को ज्वाइनिंग प्रोवाइड कराता है अब उसको हम किस नाम से जानते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पेटोयल तो कुछ ऐसा सुना है कुछ ऐसा सुना है अच्छा जो फ्लावर्स होते हैं जो फूल होते हैं देखा होगा कुछ आपने इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे फूल होते हैं या बीच में इस तरीके से होता है देखा है कि नहीं देखा है पिट्योल देखा है कि नहीं देखा अगर नहीं देखा तो मेरे को बताना होगा देखा है तो मेरे को बता देना कि भैया पिट्योल जो होता है वो कैसा होता है एक तो होता है पेटल्स पेटल्स का मतलब क्या है पत्तियां हो गई है, है ना और ये क्या होता है ये मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में देखें कितनों को पता है अगला सवाल बताइए नेवल स्टाफ के अंदर अगर देखा जाए तो टू में ट्वेंटी फिफ्थ चीफ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया इजी है यहाँ पे नेवल चीफ अभी कौन है करमवीर सिंह जी हैं तो ऑब्वियसली इसका इस आंसर यही बनेगा अगला बलयार डैम ये केरला के कौन से जिले में आपको देखने को मिलता है तो पलक्कड़ नाम के जो तो जिला है वहां पे आपको ये मिलेगा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था मैंने आपको इसके बारे में पेरियार रिवर बताई थी मुला पेरियार बताया था फिर मुला पेरियार का जो डिस्प्यूट है दो स्टेट के बीच में है तमिल और केरला ये भी बताया था अगला सवाल बताइएगा करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच बुक इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है तो आंसर हो जाएगा डेवल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी इज द राइट आंसर अगला द एंजाइम लाइफ इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी अब देखो क्या होता है दो चीज़ें होती हैं दो तरीके के ग्लैंड होते हैं है ना एक्चुअली होते तीन तरीके के मिक्स वाले को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मिक्स वाले में तो भाई पेंक्रियाज आता है वो सबको पता है ग्लान्स में देखो दो तरीके के ग्लान्स होते हैं लेकिन आपको ये बता दें कि इस संडे को ऑन दिस संडे अन एकेडमी पे आपका फ्री स्पेशल क्लास है सुबह दस बजे जिसमें हम आपको ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में रहेगा एक एक चीज़ एक एक ग्लैंड का फंक्शन आपको हम बताएंगे और उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे ठीक है तो उस क्लास को मिस मत करिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा चले ओके okay, सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लाइपेस तो इसका आंसर क्या बनेगा पेंक्रियाज जो कि मिक्स मिक्स uh, की कैटेगरी में आता है मतलब ये जूस भी प्रोड्यूस करेगा ये आपका ग्लैंड भी प्रोड्यू ये आपका हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा और एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा अगला बताइए हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आरकी आर्की के फाउंडर का नाम आंसर क्या हो जाएगा एलिन एमटेक हो जाएगा अगला फर्टाइल रिवराइल एल्यूविल सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूविल सॉइल जो है जो तो जलोड़ मिट्टी है वो किसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है तो राइस के लिए या वीट के लिए या मक्के के लिए इन सब की कैटेगरी में आएगा कॉटन के लिए ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक सॉइल है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है अगला द बेटल दैट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज आपको बताना है कि कौन सी वाली पावर कौन सा वाला बेटल था तो बेटल ऑफ तराइन हो जाएगा ये याद रखना पहला और ये याद रखिएगा आपका दूसरा है ना अब अच्छा कि मैं आपसे ये पूछूं कि बैटल ऑफ तराइन जो है वो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी आप ही कहेंगे मैम पृथ्वीराज चौहान थे आगे वाला आप समझ लीजिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो दोनों वॉर हुई थी वो किस जगह पर हुई थी आप ही कहेंगे मैम तराइन वाली जो जगह थी वहीं तो वही थी लेकिन आप मुझे प्रॉपर तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है अगला बताओ अज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिट लीड टू बताना है आपको कि अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होता है फिजिकल डेफिसिट होता है मतलब सरकार का जो यहाँ पे खर्चा है यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता चला जा रहा है रेवेन्यू कम आ रहा है पैसा कम आ रहा है और इसमें से जो बोरोइंग है यानी कि जो उधारी ली है उसको भी हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो दैट इज वॉट फिजिकल डेफिसिट अगला ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश इवन बतूता विजिटेड इंडिया किसके टाइम पीरियड पर आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे ये भारत की यात्रा पे आते हैं इसी तरीके से याद रखना मार्को पोलो याद रखना और uh, मेगा याद रखना ये तीन तो पता होने चाहिए अगला महात्मा गांधी ओन हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द सिविल डिसबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपको बताना है कि ये सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हुए थे उस पर्सन उस व्यक्ति का नाम आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अब आप कहेंगे मैम ये भी तो थे ना बिल्कुल थे इनसे जुड़ा हुआ आप देखेंगे तो टोलेटो फार्म जो है वो बनाया गया था कहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर ठीक है चलो ये बातें मैंने बताई अब देखो एसएससी कैटेगरी के, के अंदर नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है कब से ग्यारह तारीख से अब अगर आप एस के लिए पढ़ना चाहते हो दिल्ली पुलिस है यू है आपका एम पी कॉन्स्टेबल का बैच है या फिर मतलब किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपकी जी एस आती है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपके सारे के सारे जितने भी एग्जाम हैं सारे कवर हो जाएंगे क्योंकि जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे मैथ इंग्लिश और रीजनिंग आप किसी भी एजुकेटर का देख पाओगे जितने भी अन अकेडमी पढ़ाते हैं एनी एनी एनी, एनी एजुकेटर ठीक है थर्ड पॉइंट ये जो आपका जीके का क्लास चल रहा है स्पेशल क्लास ये दो हफ्ते की सीरीज है यानी कि मंडे टू फ्राइडे इस वीक और मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक दोपहर तो में दो बजे स्पोर्ट्स पढ़ा दिया है अब अगले वाले क्लास में क्या रहेगा वो आप टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा यूपीएससी कैटेगरी के, के अंदर नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है फिफ्टींथ ऑफ नवंबर से शुरू होगा मतलब आफ्टर दिवाली ये बैच आपको मिलेगा तो अभी आप चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो कोड क्या है कृति टेंट कोड है आप इसका यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि ये बात चल रहा है ठीक है चले मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वाले सेशन में सात बजे लाइव टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारेगा बाय एंड टेक केयर